सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी आज गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले की माझा प्रखंड के माधव उच्च विद्यालय खेल मैदान के परिसर में सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोलते हुए अपनी भड़ास निकाला। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टी के नेताओं द्वारा तूफानी दौरा जारी है। ऐसे में अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने के लिए जनता से अपील की जा रही है। वहीं सुबह के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश साहनी हेलीकॉप्टर से गोपालगंज पहुंचे और इस दौरान पार्टी के नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं सभा को संबोधित करते तेजस्वी यादव ने कहा कि डॉक्टर ने हमें बेड रेस्ट के लिए कहा है, लेकिन हमने ठान लिया कि जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं कर देंगे तब तक रेस्ट नहीं करेंगे। मोदी जी सबसे आसान राजनीति करते हैं और वो राजनीति क्या है? वह राजनीति नफरत की राजनीति है। हिंदू को मुसलमान से लड़वा दो, दंगा करवा दो और राज करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी महंगाई के म नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी का व नहीं बोलेंगे और गरीबी का ग नहीं बोलेंगे। आज मोदी जी तीन तीन सभा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा का अब सफाया होने वाला है। मोदी जी आएंगे और एक ही बात कहेंगे, मंदिर मस्जिद इस्लाम सनातन हिंदू मुस्लिम बस, पढ़ाई दवाई सिंचाई की बात नहीं करेंगे। हम गोपालगंज के हैं, हमारा घर है फुलबरिया और ननिहाल है सेलरकला। हम लोगों को बीजेपी वाला कोशिश करता है कि झुका दे, कैसे भी झुक जाए, उनसे डर जाए, केस मुकदमा करवाता है, ईडी सीबीआई करवाता है, लेकिन आज तक गोपालगंज के धरती पुत्र लालू जी भाजपा के आगे झुके नहीं है। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी नहीं डरने वाला। हम बिहारी है, बिहार से गुजराती डरा देगा? जब तक उन्हें सत्ता से बेदखल नहीं कर देते तब तक चैन से बैठने वाले नहीं है। हम लोग कलम बांटते हैं, वे लोग तलवार बांटते। वही मुकेश साहनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारा देश का संविधान खतरे में है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान को दिल्ली में बैठी सरकार नहीं मानती। ये केंद्र की सरकार बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, विधायक और सांसद को खरीद लेते हैं क्योंकि इनके पास पैसा है। देश की जनता को अपमान करते हैं। 16,000 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा में मिला। उनका एक स्कीम चलता था, चंदा दो और धंधा लो। वह बिहार में आकर एक्टिंग करेंगे, बिहार में आकर रोएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे रामविलास पासवान की मूर्ति को खंडित किसने किया था, किसने उनके परिवार से अलग किया था, किसने उनके पार्टी को तोड़ा, किसने उनके परिवार को लड़वाया। आज बिहार में आए हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को याद कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। ये मगरमच्छ की आंसू वह रो रहे हैं। हमको लगता है कि मुंबई के शाहरुख खान और सलमान खान को एक्टिंग करने में फेल कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज UNI। धन्यवाद। आज चुनावी सभा को उपस्थित हमारे बिहार के युवा नेता, लाखों युवा को नौकरी देने वाले नेता प्रतिपक्ष छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल जी उप चंचल पासवान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आरजेडी के जिला अध्यक्ष श्री दिलीप कुमार सिंह जी, मंच को संचालन कर रहे हैं सुनील बादी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष साहनी जी, बीच में अपील करने के आए हैं साथियों, ये देश आपका है, ये देश हमारा है, ये देश किसी का जागीर नहीं है। इस देश का आजादी दिलाने के लिए आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ ताकत हमको मिला, वो क्या, वो संविधान मिला साथियों, संविधान मिला। हमारे देश में लोकतंत्र आया है और आज ये संविधान हमारे देश में खत्म करने की साजिश रची जा रही है। आज हमारे देश का संविधान खतरे में है साथियों, इसलिए आपको और हमको अपने संविधान के लिए, अपने देश के लोकतंत्र के लिए, अपने देश के गरीब पिछड़ा दलित के हक के अधिकार के लिए आपको और हमको सभी को लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है साथियों। ये आज एक्टिंग कर रहे हैं, बिहार में विकास की बात नहीं करेंगे, एक्टिंग करेंगे, वो रो रहे हैं। तो मोदी जी ये बताइए, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति को किसने खंडित किया था, किसने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को घर से बाहर किया गया था, उनके परिवार को किसने, उनके पार्टी को तोड़ा, किसने उनके परिवार में लड़ाई लगवाया, और आज आप आए हैं उनको याद कर रहे हैं, बिहार में एक्टिंग कर रहे हैं। इसलिए साथियों, ये मगरमच्छ का आंसू बहा रहे थे, ये हमको लगता है
कि बॉम्बे में शाहरुख खान और सलमान खान को भी फेल कर देंगे एक्टिंग करने में। तो मोदी जी, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं विपक्ष हूं, मैं आपका तीसरा आंख हूं, जो आप नहीं देखते हैं वही मैं दिखाता हूं, मैं जनता का आवाज हूं, जो आप नहीं सुन रहे हैं वही मैं सुनाने का काम कर रहा हूं। तो इसलिए साथियों, ये सरकार आपका नहीं है, इसलिए इसको बदलने की आवश्यकता है। आप लोग हमारे प्रत्याशी को जिताइए, हमारे हाथ को मजबूत कीजिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हाथ को मजबूत कीजिए, हमारे कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी को हाथ को मजबूत कीजिए और दिल्ली में अपनी सरकार बनाइए। और जो मोदी जी वादा किए थे वो तो नहीं कर पाए, हम लोग आने वाले समय में उससे आगे बढ़कर काम करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, बस आपका साथ चाहिए, जब तक इस देश में विपक्ष नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए साथियों, आज ये लोग विपक्ष को खत्म करने में लगा हुआ है। जनता जो है मालिक है, नेता मालिक नहीं है। नेता सिर्फ 5 साल के आते हैं और दूसरी बार जो उनको आना है या नहीं आना है ये डिसीजन जनता को लेना है साथियों, और इन्होंने आपसे झूठ बोला है। तो इसलिए साथियों, इनको अभी विदाई देने की आवश्यकता है। और यहाँ पे हमारे प्रत्याशी चंचल जी को जिताइए, लेडीज फर्स्ट पर बटन दबाकर इसको जिताइए और मजबूती से आपका क्षेत्र का विकास करेगा। युवा नेता है, आप लोगों के हमेशा चरणों में आपको साथ खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद।